अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से देश अभी उभरा भी नहीं था कि मुंबई में बिहार के एक और अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बिहार के नवोदित कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर निवासी अक्षत उत्कर्ष के परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजन मुंबई पुलिस से भी आक्रोशित हैं। दिवंगत अभिनेता के मामा रंजीत सिंह ने बयान देते हुए बताया कि रविवार की रात 9 बजे अक्षत उत्कर्ष की अपने पिता से बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद देर रात उनकी मौत की खबर मिली। मामा ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस पीड़ित परिजनों का सहयोग नहीं कर रही है। अक्षत के पिता का नाम विजयंत चौधरी उर्फ राजू चौधरी है। आपको बता दें कि मौत के 2 दिनों बाद मंगलवार को उनका शव मुंबई से पटना एयरपोर्ट पहुंचा। परिवार वालों ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि वो पीड़ित परिजनों की बातें नहीं सुन रहे हैं। इस मामले की प्राथमिकी तक दर्ज करने से मुंबई पुलिस ने इनकार कर दिया। परिजनों ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए कहा है कि ये हत्या है और प्राथमिकी दर्ज करके इसकी जांच शुरू की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। इससे पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी 14 जून को अपने ही फ्लैट में पंखे से लटके हुए मिले थे, जिसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने काफी लचर रवैया अपनाया था। अब एनसीबी और ईडी भी इससे जुड़े मामलों की जांच कर रही है, जो ड्रग्स और हवाला नेटवर्क के खुलासे तक जा पहुंचा है। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद इस मामले में कुछ ठोस निकल कर आने की संभावना है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।